तो फ्रेंड्स टेस्टिंग के लिए तैयार है। ये मैंने चला दिया, ये गूंजता नहीं हवा से। सबसे पहले ये चेक कर सकते हो, एक सेकंड चला मास्टर, एक सेकंड। इतना सा बम्बा है इसके अंदर, दिखा देता हूँ मैं क्या है। ये बहुत कम चला, पर ये हाँ कैरी करने के लिए ये इजीली है, ये गर्म रहता है। ये देख सकते हो, बस ये छोटा सा इतना सा पैक है इसके अंदर, ठीक है, जो कि अभी गर्म बहुत है। इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सस्ते वाला मैंने बोला था, ये देखते हैं कैसे चलता है। इसको लग गया, ये फुलझड़ी की तरह आग लगी है वही, तो ये ग्रीन कलर चला 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 चला, ये देख सकते हो ग्रीन कलर छोड़ रहा है और ग्रीन कलर ही छोड़ रहा है। और ये कम छोड़ रहा है, पर छोड़ अच्छा रहा है, काफ़ी देर तक चल रहा है। ये गर्म हो रहा है, अब स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, हवा बहुत चल रही है, पर सही चल रहा है। ये ग्रीन कलर, ये देख सकते हो स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, पर टाइमिंग बहुत अच्छी है इसकी। ये कम चल रहा है, पर टाइमिंग देख सकते हो इसकी कितनी बेस्ट है, ठीक है, पर स्मेल आ रही है गंदी, मतलब कि चला के आपका मूड खराब हो जाएगा। कलर देख के दूर वाले का अच्छा रहेगा, पर जो चला रहे ना उसको थोड़ा ऑन हो जाएगा। तो ये हो गया खत्म। ओह गर्म, ये बहुत गर्म है। तो अब करते हैं नेक्स्ट, ये देखो पीछे स्मोक निकला है, पीछे स्मोक निकला है। अब करते हैं नेक्स्ट की बारी, इसको रख देता हूँ ऊपर। अब आती है इस वाले की येलो की बारी। ये फुल जड़ी की तरह चल रहा है, जैसे दिवाली के पटाखे चलते हैं ना ऐसे। तो वो देखो अंदर आग गई इसके। आप वैसे अगर चलाते तो उसको फूक मार के चला दो, ये सही चल रहा है। ये देखो कितना सही चल रहा है, वैसे स्मोक में येलो सबसे ज़्यादा सही चलता है, ठीक है। ये देखो उससे कितना सही चल रहा है, और इसकी स्मेल भी नहीं आ रही, उसकी गंदी स्मेल आ रही थी, इसकी स्मेल नहीं आ रही। ये ऑटो सेशन, तो फ्रेंड्स ये मुझे उससे काफ़ी बेटर लगा, और चला भी अच्छा, और इसमें स्मेल भी नहीं आ रही, जैसे गंदी स्मेल उसमें आ रही थी ना, इसमें इतनी नहीं आ रही, तो ये बेटर है, बी बेटर। अब जो मुझे अच्छा लग रहा है ये मैं सबसे लास्ट में चलाऊंगा, उससे पहले ये चलाते हैं जिसके अंदर सिर्फ छोटा सा था। अब ये देखते हैं कैसे चलता है। वो ये पटाखे पा रहा है, हाथ साड़ रहा है, ये तो ये चल रहा है, बड़ा घटिया सा है, गंदा सा है, मतलब ना, और स्मेल भी बड़ी गंदी है, इसके अंदर जाग सी निकली, बड़ा गंदा सा चल रहा है। ये बुलबुल गरम गरम फेंक रहा है, कलर तो तेल लेने गया, कलर जा रहा है छोटा छोटा। ये देखो मेरे हाथ में छिट्टे से गिरे इसके अंदर, ये देखो जाग सी आई ना, ये बड़ा गंदा है, मत लेना, याद रखना कौन सी कंपनी ऐसे वाली, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा, मत लेना, मैं इसको प्रेफर नहीं करता, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये प्रेफर करता हूँ, ये बेस्ट है। अब आई इसकी बारी, ये सबसे बेस्ट है। ये देखो स्मोक देखो इसका कितना ही डार्क है, ओ भाई ये देखो कितना डार्क स्मोक है, कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, और सॉरी है स्मोक स्मोक, ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये, ओहो सबसे बेस्ट ये है, ये ले लेना आप, ठीक है। इसमें कोई छिट्टे नहीं पड़ रहे हाथ पे, कुछ कुछ नहीं हो रहा, ये देखो अंदर से कितना सही चल रहा है। इसके ऊपर मिट्टी की हुई है, इन्होंने लगाई हुई है, बढ़िया लगाई हुई है। तो मैं आपको अगर कह रहा हूँ कि अगर आपने लेना है परचेज़ करना है तो ये वाला परचेज़ करना, चाहे महंगा है पर सेफ है, और ये थोड़ा बढ़िया भी है। देखें इसको बाहर निकाल के, कैंसर बाहर निकाल के देखना। उसके बाद फाइनली आ जाती है हमारी गन, इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये, ठीक है। और इसमें फित्ता होता है, बाई चांस अगर फित्ता टूट जाए तो पटाखे का फित्ता भी चलता है। ये देखो वैसे इसको पाड़ना मत, मैं तो पाड़ लेता हूँ। गन देख के अब, ओ भाई गन भी बहुत सही है, ये गन भी बहुत सही है, ये गन सही है, टाइमिंग बहुत कम है, तो सब में वो ही गुल्ली सी डाल रखी है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ओ मैं आपको सबको एक चीज़ बताता हूँ, इन सब में ना एक ही चीज़ होती है, होली वाले स्टैश में सब में एक ही चीज़ होती है, बस शेप अलग दे के अलग जगह पे इसको सेट कर देते हैं। अब जो होली का स्टैश था उसमें यही चीज़ थी, और उन्होंने ये अंदर फिट कर दिया हाथ में कैरी करने के लिए, ये गन शेप में दे दिया। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके बता देना, मैंने सारे टेस्ट करके दिखा दिए हैं, मुझे सबसे बेस्ट ये लगा ये, ठीक है। मर्करी जो भी लिखा है ये आप पढ़ लो, ठीक है, ये कंपनी सबसे बेस्ट है,
तो आप ये ले सकते हो, या फिर जब भी परचेज करोगे तो इसको थोड़ा सा पेपर को खोल के देख लेना, अंदर मिट्टी लगी है तो वो परचेज कर लेना। तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, मार्वल्स समथिंग कुछ इस ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और यही इसका इसका ये आप चेक कर सकते हो, गन का भी ये सिस्टम बढ़िया वाला है। तो अगर आपने परचेज़ करनी है तो मैं आपको प्रेफर यही करूँ कि आप ये परचेज करो, गन से भी बेटर ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन यही है। तो चलो एक बार आप इनको बॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद एंड करते हैं।